हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में बताने जा रही हूँ अपन घर में कैसे अपना फेशियल शेविंग कर सकते हैं और हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वाइल फेशियल शेविंग। तो सबसे पहले अपने फेस को बहुत अच्छे से क्लीन कर लेना है हमें फेस वॉश करके। उसके बाद कोई भी आप फेशियल बाम या फिर कोई एलोवेरा जेल अप्लाई कर सकते हैं। मैं फेशियल शेविंग के ड्यूरिंग ये अपने फेस को फोर पार्ट में डिवाइड कर लेती हूँ, अपर पार्ट, दोनों चीक्स अलग अलग और फेस का लोअर पार्ट। तो इन चार पार्ट में डिवाइड करने के बाद मैं अच्छे से शेविंग कर पाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपने फोरहेड में शेव किया और उसके साथ साथ अपनी आईब्रो को भी सेट किया। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। आप मेक श्योर करें कि फेस विदाउट एनी कुछ अप्लाई आप फेस में शेविंग ना करें, क्योंकि इससे आपके फेस में इरिटेशन हो सकती है। हमारे फेस की स्किन बहुत ही सॉफ्ट और सेंसिटिव होती है, तो इसलिए हमें ये बिना कुछ अप्लाई करे अपनी शेविंग नहीं करनी है। और हाँ, जैसे बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है क्या हम स्क्रब कर सकते हैं फेशियल शेविंग के बाद, तो नहीं, आप फेशियल शेविंग के बाद अपने फेस को स्क्रब ना करें, उसके पहले आप स्क्रब कर सकते अपने फेस में। क्योंकि देखो, शेविंग करने के बाद तो वैसे भी हमारे फेस के सारे हेयर्स और डेड स्किन सेल्स तो निकल जाती है, तो स्क्रब करने का कोई मतलब नहीं। और स्किन हमारी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी हो जाती है, क्योंकि इतना सारा हम एलोवेरा जेल या बाम लगाते हैं तो हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाती है। तो स्क्रब करने से हमारी स्किन में इरिटेशन हो सकता है और प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ जाते हैं, मैंने खुद फेस किया है। इसीलिए आप फेशियल शेविंग के पहले स्क्रब कर लें, बाद में ना करें। और कोई फेस पैक भी अप्लाई ना करें फेशियल शेविंग के बाद, कोई नॉर्मल मॉइस्चराइज़र आप अप्लाई कर लें और थोड़ा मसाज करके आप रेस्ट करने दें अपने फेस को। बस इन चीज़ों का ध्यान रखें ड्यूरिंग योर फेशियल शेविंग। और अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, बाय बाय।